इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बड़ी खबर है कि राहुल गांधी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अब सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। देश के वैक्सीनेशन ड्राइव पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने सवाल किया है कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई, और राहुल के इसी तंज पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वो कल ही जुलाई में वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन लगता है राहुल गांधी पढ़ते नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए लिखा है कि अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। तो राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया और उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैसे ट्वीट कर पलटवार किया, ये दोनों ही ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह करीब 8:30 बजे लिखा कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इस ट्वीट का सुबह करीब 9:15 बजे जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि मैंने कल ही जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर फैक्ट रखे। राहुल गांधी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या उन्हें समझ में नहीं आता? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी जवाब दिया। पीयूष गोयल ने यह लिखा कि जुलाई में कोरोना की 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जाएंगी, इसकी सूचना 15 दिन पहले ही दी जा चुकी है। राहुल गांधी को इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पीयूष गोयल ने दूसरे ट्वीट में आरोप लगाते हुए यह लिखा कि कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान में कोरोना की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी लिखा है कि राहुल गांधी को अपना व्हाइट पेपर कूड़े में फेंकना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वैक्सीन को कूड़े में फेंक दिया। जुलाई में वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में केंद्र ने क्या बताया है वो देखिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस महीने वैक्सीन के 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को इस बात की जानकारी 15 दिन पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में राज्यों को 44,90,000 टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार अब तक 33,63,00,000 से ज्यादा टीके राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को दे चुकी है। वैक्सीन की बर्बादी को मिलाकर अब तक कुल 33,73,00,000 से ज्यादा टीके देश में कंज्यूम किए जा चुके हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? जब ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं, जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आ जाए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और
21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी 11 दिनों का ये डेटा है, भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में, और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62,00,000 के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62,00,000 वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में दो वैक्सीन कोविशील्ड, जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है, तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान को वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। ये भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, ये जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है, शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, तो कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्री मेच्योर एंड कुड बी डेंजरस, खतरनाक है ये। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए, और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ, हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था, उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।